1982 और 1986 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर्स विधाता और कर्मा, 1983 और 1989 की सेकंड सबसे बड़ी बिग ब्लॉकबस्टर्स हीरो और राम लखन और विश्वनाथ, सौदागर, खलनायक और ताल जैसी सुपर डुपर हिट फिल्मों के डायरेक्टर जिनके एंटरटेनमेंट का कर्ज हम पर सदियों तक रहेगा। म्यूजिक के इतने बड़े कॉनसियर पहली बार म्यूजिक के सबसे ग्रैंड शो में, सुभाष घई। सिनेमा जगत के संगीत में मैं 45 साल रहा और आज ऐसा भी दिन आएगा जब मैं स्टेज पे भी आना पड़ेगा मुझे, और ऐसे मेरे पुराने म्यूजिशियंस को मिलना पड़ेगा और मुझे होनहार बच्चों को मिलना पड़ेगा, और ये तीन गुनी जन जो सामने बैठे हैं, फैंटास्टिक। क्या बात है सर। आज के प्रोग्राम का नाम मैं रखना चाहता हूँ, अगर आप परमिशन दें सर। सर प्लीज। कुछ दोस्ती हो जाए, कुछ मस्ती हो जाए। माइंड ब्लोइंग, सुपर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, शोमैन सुभाष घई जी के लिए। शांति शांति शांति। और अब आ रहे हैं बाहर से अखरोट, फरहांधर से किशमिश, वैष्णव किरीश। सबसे पहले सुभाष घई सर। विजी साहब, भले आप फौलाद कहें आपको, मैं तो कहूंगा आप बहुत कोमल हैं, कमल हैं, फूल हैं। तुमने जो गाया बहुत सी यादों को जगाया। सर, ताल हैज टू बी वन ऑफ द
best albums of all times. You know. बिल्कुल. इतनी ज़्यादा एक-एक गाना इतना खूबसूरत है और सर जैसा कि I think ऐसा ही था ना कि पहली बार रहमान साहब ने म्यूजिक दिया आपके फिल्म के लिए. मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो ताल में था. नॉर्दर्न म्यूजिक चाहिए, हिंदुस्तानी म्यूजिक चाहिए, ये कर्नाटक म्यूजिक के माहिर हैं जी. फिर भी मैंने हिम्मत करके बख्शी जी को कहा कि बख्शी जी ऐसा ऐसा मैंने उनको साइन किया है, तो मैंने बोला आओ जरा तुम हमारे लिरिक्स राइटर से तो मिल लो. तो फिर वो बख्शी जी से मिले, उनको उनके बख्शी जी के घर लेके गया, तो कुछ 15 मिनट बैठे, ना उन्होंने बात की ना उन्होंने बात की बात ही नहीं की मैं समझ गया कि ये बात नहीं कर सकते क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती और इनको इंग्लिश बोलने में बहुत तकलीफ है मैं उठ गया. उसके बाद फिर मैंने सोचा कि गाना मैं इनसे लिखवाऊंगा, उसके बाद फिर मैं हिंदी में लिखूंगा, फिर उसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा कि हर लाइन का क्या मतलब है. फिर नहीं सामने में तो यू आर नॉट इन फ्रंट ऑफ मी, ऐसा ऐसा करके एक एक शब्द को लिख के और फिर मैं रहमान साहब को बताऊंगा कि इसका मतलब ये है. एंड रहमान साहब के हाथ में एक बहुत बड़ा जादू ये था कि जब वो पियानो पे या अपने कीबोर्ड पे हाथ रखते हैं तो ऐसा लगता है कुछ सरस्वती जागी है. बिल्कुल. सुभाष घई सर ने ए आर रहमान सर के बारे में बहुत कुछ कहा. अब ये भी सुनना चाहिए कि ए आर रहमान सर सुभाष घई सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे. है कि नहीं बात है यार. तो चलिए. I worked on some of the most important soundtracks of my life. Taal. Amazing. Not first, Aavo. Achha. Mein karna hai mujhe. Aavo, upar hi chodo. Haan, upar ji. I'm as a zombie. This has reached now there. It has reached in front of you now. Yeah, man. Taal actually opened up a whole new set of audiences for me. It was a combination of North Indian music with what I was doing. The enthusiasm that Mr. Ghai had while making Taal was infectious. And it was tough love. We had amazing time, we had arguments, but ultimately there was a beautiful soundtrack. Music on! He was the one who made me learn a bit of Hindi. He said, if you are doing a Hindi soundtrack, you should know Hindi. So I went a little further. I also learned Urdu. Wow. And I want to wish Mr. Ghai a very happy birthday. God bless you. Yeah, man. Achha, bahut. Wow. Kya baat hai, sir? What a combination, what a soundtrack, historic, what a film. Historic. Goosebumps, unteachable. Hamare film industry ki history hai ye. Bilkul. Too good. Thank you for sharing it. Absolutely. Yeah, thank you so much, sir. Thank you. डोंबी वाली मूली उद्योग ने मांग की है कि अगर 1.5 रुपए का नोट निकले तो उस पर तस्वीर किसकी हो. किशोर कांबले की. युगांडा के नेशनल ऐप चिंगस्टाग्राम पर 121 करोड़ फॉलोअर्स किसके हैं? किशोर कांबले के. आज जिस बेटी के लिए दुनिया गर्व से पापा कांबले का नाम ले, वो बेटी सायली कांबले.
जियो बेटा, आपने इतना अच्छा गाया और तीनों गाने एक ही सांस में तकरार, हमने इतनी मेहनत की, इतना साल लगे, इतनी बातें लगी और आपने एक ही सांस में गाया सब कुछ और बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया। और मुझे सायली नाम है आपका। और मैंने सुना है कि आपके पिताजी का आशीर्वाद आपके ऊपर बहुत है, क्योंकि आप पिताजी की बहुत ही केयर करते हैं। आप एक मिसाल हैं एक बाप बेटी के रिश्ते का। सीखना चाहिए हर बेटी को कि किस तरह से अपने पिता का आदर करना और उनके लिए जीवन एक किस्म का अर्पण ही करना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी देन है इसमें। ये गाना जब हीरो फिल्म का जो आपने गाया, बहुत अच्छा गाया मैं कहूँगा। और हीरो फिल्म की कहानी भी ऐसी कुछ है कि फिल्म कर्ज के बाद मुझे ये फिल्म बनानी थी, लेकिन मुझे ऐसा था कि मुझे स्टार कास्ट के साथ फिल्म नहीं बनानी। तब मैंने जैकी श्रॉफ और हमारी हीरोइन मीनाक्षी सेसाद्री को मैंने कास्ट किया और फिर ये चैलेंज लिया कि ये फिल्म जो भी बनेगी इसका म्यूजिक जो है इसका एक स्पाइनल कॉर्ड होगा, और वो भी न्यू कमर जब नया हीरो। अब उसमें फ्लूट बंसरी थी, अब देखिए अब बंसरी हमारे जो प्यारे लाडले जैकी श्रॉफ हैं, जिंदगी में बंसरी उठाई नहीं थी उन्होंने कभी।
मैंने बोला बंसरी देखिए, बोले देखिए दूर से देखिए. और उठा के दिखाओ, तो उठाई उन्होंने. तो मैंने बोला ये टेप में मैं म्यूजिक चलाता हूँ, फ्लूट बजाता हूँ, बजा के दिखाओ. तो बोलता था मेरे को कहाँ आने वाला है, मेरे से नहीं होने वाला. मैंने बोला आप एक काम करो, बंसरी नहीं बजती तुमसे शूटिंग के टाइम पे. मैं बोला तुमको मुंडी हिलानी आती है? बोले हाँ आती है. तो मैं बोला तो ऐसे बंसरी पकड़ो, ता 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 रा 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 रा. तो उस तरह से उसने बंसरी बजाई. सर जैकी श्रॉफ जी भी आपके लिए कुछ कह चुके हैं, तो आइए देखते हैं. अच्छा क्या बात है यार, आप कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाते हैं इसे? ओहो सुभाष जी, ऑल माय रिस्पेक्ट्स ऑलवेज टू यू. एक भूल को लेकर सितारा बना दिया आपने, जो कि हकीकत है. एक बच्चे की तरह, एक छोटे भाई की तरह संभाला आपने. किस तरह से तहजीब से पेशाना सिखाया आपने फिल्म इंडस्ट्री में. लाइन्स याद नहीं रहते थे, आपने बताया कैसे. बांसुरी बजाना मुश्किल, बोले सर से बजाना. हर हर्डल पे आप हमेशा रहे कालीचरण, विश्वनाथ, विधाता, सौदागर, कर्मा, हीरो, परदेश, ताल, राम लखन, क्या बताऊं कर्ज. मैं हमेशा शुक्रगुजार हूं, मैं हमेशा आपका बहुत बड़ा मुरीद हूं सर. क्या बात है सर, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत. बैठिए प्लीज. जैकी श्रॉफ, जब मैं उनको पहली बार मिला तो मैंने उनसे तीन बातें पूछी. जैकी से जी, मैं बोला आपको गाना आता है? कहते नहीं. डांस आता है? नहीं. एक्टिंग आती है? नहीं. तो मैंने बोला आप एक्टर बनने के लिए मेरे पास आए? बोले मैं वहाँ मैं समझ रहा हूँ, पता नहीं मैं क्यों आ गया, मेरे दोस्त ने कहा कि चलो एक्टर बनने चलते हैं, वो मेरे को ले आया. आप मानेंगे कि उसकी सादगी इतनी मुझे पसंद आई. फिर मैंने कहा अच्छा ये एक सीन है, सीन करके दिखा दो. मैंने कुछ एक सीन लिखा हुआ था पेपर पे, तो ये सर आप पढ़ लो, थोड़ा टाइम ले लो. तो ये बोला अरे बाप रे, इतना बड़ा सीन कौन करेगा सर. उसको उसने लुक दिया, दोस्त को कहाँ फंसा रिया मेरे को. मुझे उसकी इनोसेंस बहुत पसंद आई थी. तो फिर मैंने कहा कि ये कहानी है और इस पिक्चर में तुम मेरे हीरो हो. तो वो देखने लगा मुझे, ही वाज शॉक्ड. सर मैं बोला हाँ सर, मैं हीरो. मिला हाँ इसी पिक्चर में जो हीरो कैरेक्टर सुनाया वो करना तू. थैंक यू सर, थैंक यू. और कह के जाके दरवाजे के पास गया और वापस आया. सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं सच बोलने वाला बंदा हूँ. मैं देवानंद साहब की पिक्चर में एक रोल किया है जो कि एक गुंडा है, शक्ति कपूर, शक्तिपुर का भी असिस्टेंट गुंडा है, उसका असिस्टेंट गुंडे का रोल भी मैंने किया. आप मेरे को हीरो ले रहे हैं, लेकिन कहीं फंस जाएंगे आप. Judges. Yes, Adi. सबको पता है कि आजादी से पहले 1928 में लाखों क्रांतिकारियों ने नारे लगाए थे, साइमन गो बैक साइमन. पर मुझे इसी वक्त बताइए कि साइमन फाइनली गो बैक क्यों हुआ? साइमन, नो क्लू. इसी एहसान फरामोशी को देखकर मेरा खून खौलता है. मोगाडिशु का बच्चा बच्चा जानता है कि वजह यह है. But what is Mogadishu? It's a country in Africa. Africa. Oh, oh. ये देखो. Oh wow. जिनकी किक खा खा कर नास्पीटे साइमन को भी बोरिया बिस्तरा उठाकर अपने देश की ओर करनी पड़ी जर्नी. आशीष क्या बात है.
किसी को दिल दिया? मैंने भी दिया। सलाम लेकर होता है क्या जाद तेरे उसका ही नाम लेकर उसका ही नाम लेकर मेरे हजार दीवाने अब मैं खुद बन गया दीवाना मेरे हजार दीवाने अब मैं खुद बन गया दीवाना ओ शांति लड़के बहुत अच्छे मुबारक हो यार जेन्युइनली मिस्टर कुलकर्णी एके इस पूरे कंपटीशन में ऑडिशन से लेके आज तक ये आपका पहला एक मिस्टेक है जो दिखाता है कि आप ह्यूमन हो पहली बार बिल्कुल मतलब ये आदमी सुर से नहीं जाता कभी परफॉर्मेंस में कमी नहीं होती उसकी कभी नहीं पहली दफा मैंने मिस्टेक करते हुए देखा उस मिस्टेक के लिए मैं स्टैंडिंग ओवेशन देता हूँ हर आर्टिस्ट से होता है इतना घबराना नहीं चाहिए आखिरी दफा था ये आखिरी दफा था ऐसा ऐसा कोई सिंगर नहीं है परफॉर्मिंग सिंगर जो स्टेज पे लिरिक्स नहीं भूला है absolutely. और द इम्पोर्टेंट थिंग इज ये जानना कि ये सबके साथ होता है और इसके पार कैसे जाना है वो आपने कर लिया एंड में कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रो थैंक यू तुमने जो आज गाया है उसके अंदर जो पावर थी उसके लिए हैट्स अप टू यू क्या बात है ये गाना मैंने बहुत से सिंगर्स के साथ सुना है कई बार सुना है बच्चे अच्छा गाते हैं बहुत अच्छा गाते हैं लेकिन आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस द एक्सप्रेशन एंड द परफॉर्मेंस इन द सॉन्ग जो चुप गया है पहली नजर का पहला सलाम लेकर बिकॉज मुझे याद है कि मुझे किशोर दा की डेट नहीं मिल रही थी गाना रिकॉर्ड हो चुका था लक्ष्मीकांत जी गा चुके थे इस गाने को अच्छा पूरा हो चुका था लेकिन चार महीने हमको इस गाने का वेट करना पड़ा और मुझे फिर जब मैं उनको मिला वापस तो किशोर दा मुझे पूछते हैं कि सुभाष मुझे एक बात बताओ तुम
इस गाने को मुझसे क्यों गवाना चाहते हो, किसी से भी गवा लो। मैं बोला नहीं सर, इसमें मेरे को परफॉर्मर चाहिए, आई नीड परफॉर्मेंस। किशोर दा आपसे बेटर परफॉर्मेंस वॉइस की वो कोई नहीं कर सकता, और आज वो परफॉर्मेंस तुमने करके दिखाई। क्या बड़ी बात है, क्या बात है। थैंक्स सो मच। अब मिस्टेक को कभी सीरियस मत लो, मिस्टेक का मतलब है मिस टेक, टेक का मिस किया मैंने, और इसका रीटेक भी एक बार है। रीटेक हो गया। और अब आ रही है अपनी बीमार मम्मी का साथ देने के लिए, जो बनी टोटल आंटी इन टीनेजर की खाल, अरुणिता कांजीलाल। लखन की बात कर रहे हो तुम अरुणिता? Thank you.
वाह वाह, बहुत 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 खूबसूरत. यस नमस्ते, इट्स ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर गाया है. मुझे नहीं लगता कि कोई मैं कॉम्प्लीमेंट के लिए शब्द ढूंढ सकता हूँ इसके लिए. इतना अच्छा गाया, बहुत ही अच्छा गाया. थैंक यू सो मच सर. भागीरथ जी और म्यूजिशियंस, अब और आपने क्या बनाया. म्यूजिशियंस ने इतना अच्छा, एक एक टुकड़ा, एक एक तोड़ा, एक एक छोड़ा नहीं, मतलब कोई भी तोड़ा छोड़ा नहीं आपने, और बहुत अच्छा. अरुणिता, आपकी आवाज़ में जो एक मिठास है और जो अदाकारी आप दिखाती हैं, जैसे मैं अक्सर कह चुका हूँ आपको कि मतलब आप लता जी की स्कूल से सीख कर आई हैं, ऐसा लगता है. अरुणिता, आपने मौसम बदल दिया. हमेशा तुम्हारी परफॉर्मेंस पे स्टैंडिंग ओमेशन दी है मुझे लगता है, क्योंकि हमेशा मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है. मुझे लगता था हाय ऐसा कब दिन आएगा जब मेरे बाजू वाले दोनों यू नो जजेस भी स्टैंडिंग ओमेशन देंगे तुम्हें. आज वो दिन आ गया, तो आज तो मौसम डेफिनेटली तुम्हें पता है तुमने बदल दिया. कांग्रेचुलेशंस अरुणिता, पहली बार अरुणिता ने मौसम बदला, इस बात पे जोरदार तालियां. थैंक यू अरुणिता. और अब आ रहे हैं मोहम्मद दानिश. जी हाँ, मैं हूँ खलनायक, नायक नहीं, खलनायक हूँ मैं. रोमियो जूलियट, लैला मजनू, शिरीन और फरहान, इनका सच्चा इश्क जमाने को था अब तक याद. याद याद मुझे आया एक ऐसे आशिक का नाम, जिसने धोखा देकर नामे इश्क किया बदनाम. तो साहिबान, यही है कहानी प्यार की, किसी ने जान दी, किसी ने जान ली. एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र क्या समा, क्या जमाना था. एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र क्या समा, क्या एक दिन वो मिले, रोज मिलने लगे, फिर मोहब्बत हुई, बस कयामत हुई. खो गए तुम कहाँ, सुन के ये दास्तां, लोग हैरान हैं क्योंकि अनजान है इश्क की वो गली. हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र थी, क्या समा था, क्या जमाना था. एक हसीना थी, एक दीवाना था.
Wow, wow, kya baat hai yaar Danish. Bahut acche. मैं आज बहुत भावुक हो गया इस गाने को सुन के पर्सनली, क्योंकि मुझे याद है कि इसी तरह का सेट था हमारा, और ये गाना जब आप गा रहे थे तो मुझे सिर्फ ऋषि कपूर की याद आ रही थी. वाह वाह. तो आज मैं सबसे पहले तो उसे याद करके ये पूरा प्रोग्राम मैं ऋषि कपूर के ट्रिब्यूट में देना चाहता हूँ. मेरा 30 साल 40 साल तक उनकी दोस्ती भी रही, फिल्म हमने एक ही की, लेकिन वो फिल्म है आपके सामने कर्ज. जब कर्ज की कहानी सुनाई मैंने उनको, तो उनका जो मैंने जोश देखा था, तो मुझे लगा कि मेरी कहानी से ज्यादा ये घुस गए उसके इमोशंस में, उसकी चीजों में. आज वाकई में ऐसा नहीं लग रहा है हम आईडी पे, ऐसा लग रहा है हम फिल्म और म्यूजिक इंस्टीट्यूट पे आए. इतना कुछ सीखने को मिल रहा है. क्या बात. कई चीजें ऐसी होती हैं जो कि लोग पहले मजाक करते हैं. जब मैं आया था तो मैं एक्टर बनने के लिए आया था, तो कभी डायरेक्शन की बात करते तो लोग हंसते थे, यार तुम एक्टर रहो, एक्टर ही रहो, डायरेक्शन छोड़ दो तुम. तो आप यू डिस्कवर एंड रीडिस्कवर योर टैलेंट. प्लीज अंडरस्टैंड दिस, यू कैन बी कंपोजर, यू कैन बी राइटर, यू कैन बी सिंगर. वेल सेड. सर मैं एक्चुअली अपनी पर्सनल बात शेयर करना चाहती हूँ कि मैं पूरी लाइफ आई हैव बीन सिंगिंग ऑल माय लाइफ. बचपन से 4 साल की उम्र से मैं गा रही हूँ. मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी कंपोज भी कर सकती हूँ और लिख भी सकती हूँ. और फिर वन फाइन डे लॉकडाउन में खाली बैठी थी और सर मैंने गाना कंपोज कर दिया, लिख दिया, और वो ही है नेहुदा व्या जो मैंने दानिश. अरे एक बार फिर आपने मौसम बदल दिया. Oh my God! Wow! ढाई अक्षर का भाग्य, 3 अक्षर का नसीब और 3.5 अक्षर की किस्मत, ये सब जिनके 4 अक्षर के मेहनत के सामने छोटे पड़ गए हैं, वो जो आज अपनी एक तान से खड़ी कर देते हैं खराब किस्मत की भिखाट सवाय भाट. वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है. पिछड़े लंबी जुदाई
क्या बात है सर. मैं समझता हूं कि गाना एक सरस्वती की बहुत बड़ी देन है और सरस्वती कभी आसमान से आती है, कभी गले में बैठती है, कभी रूह में चली जाती है और कभी सरस्वती जमीन से भी आती है. उसको हम बोलते हैं जमीनी गायक, जो जमीन से जुड़े हुए गायक हैं. क्या बात है सर. आपने जो गाया है रेशमा जी का गाना गाया है, कितना बड़ा रिस्क लिया आपने. लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपने ये रिस्क लिया है और रेशमा जी की जमीनी ताकत को भी हासिल किया है. हाय हाय क्या बात है. तुमने बहुत दिल से गाया है और बहुत खूबसूरत गाया है. मैं आपको बताता हूँ सर भाई, आज आपकी सिंगिंग जैसे हर बार होती है, आज आपकी सिंगिंग परफेक्ट नहीं थी ये आपको भी पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कितनी रूहानियत थी इस वजह से आपकी सिंगिंग में. आप जो बोल रहे थे ना वो बातें लग रही थी. ठीक है, इस चीज की कदर करो आप, बहुत बड़ी बात है. ओके, गुड लक ब्रदर. थैंक यू सर भाई, बहुत अच्छे. आज हम सब ने ये सोच रखा है कि जो सवाल इतने सालों से, मतलब कभी सुभाष जी मिलेंगे तो उनसे कहेंगे, उनसे पूछेंगे. एक फिल्म है कर्मा, उस फिल्म के गाने सर कैसे बने? इसके पीछे एक बहुत खूबसूरत कहानी है. जी, तो एक होता है म्यूजिक, एक होता है बैकग्राउंड म्यूजिक. बैकग्राउंड म्यूजिक में भी हम बहुत काम करते हैं. बिल्कुल. और उसी शिद्दत से जो प्यारे जी ने बैकग्राउंड स्कोर बनाया कर्मा का, जी, तो वो कर्मा के टाइम पे जब वो स्कोर हो रहा था, लास्ट सीन ऑफ कर्मा, तो बैकग्राउंड म्यूजिक चला था महबूब स्टूडियो में. 150 म्यूजिशियन थे, 150 म्यूजिशियन के साथ पूरा क्लाइमेक्स का गाना और एंड का गाना चल रहा था. तो हम लोग क्या करते थे, पर्दा चलाते हैं, पर्दे के ऊपर वो फिल्म देखते हैं, फिल्म देख के फिर म्यूजिशियन उस फिल्म को देख के म्यूजिक बजाते थे. Incredible. कमाल. अब वो जो इतना भुलक्कड़ है कि पिछले वैलेंटाइन पर अपनी गर्लफ्रेंड से राखी बंधवा ली. जी हाँ. और उसकी नानी को रोमांटिक फिल्म दिखाने ले गया इलिचपुर में इलू इलू. और तो और नानी को शैंपेन, गुलाब और लव यू हॉटी का कार्ड भी देकर आ गया. इमेजिन.
गणपति विसर्जन के समय बाप्पा की मूर्ति को नाव में रखकर खुद को विसर्जित करने वाले पर जिनका गाना सुनकर दूर हो जाते हैं हम सबके सौरो निहाल तौरो। किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी मेरी जान उस दिन मेरे साथ होगी। किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी मेरी जान उस दिन मेरे साथ होगी। मगर कब न जाने ये बरसात होगी। मेरा दिल है प्यासा मेरा दिल अकेला। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा। मेरी तकदीर है तू मचल के सामने आ मेरी महबूबा। मेरी महबूबा मेरी महबूबा मेरी महबूबा मेरी महबूबा मेरी महबूबा। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा। ओ ब्लडी डी डी ओ ब्लडा डा डा ओ ब्लडू डू डू वी लव यू। कब से मगर मैं जब से मेरे दिल में तेरी मोहब्बत है तब से मैं शायर हूँ तेरा। तू मेरी गजल है बड़ी बेकरारी मुझे आजकल है बड़ी बेकरारी मुझे आजकल है मुझे आजकल है। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा। मेरी महबूबा मेरी महबूबा मेरी महबूबा मेरी महबूबा मेरी महबूबा मेरी महबूबा मेरी महबूबा। सर कैसा लगा आपको उस गाने में जो फीलिंग्स और जो उसका सॉफ्टनेस है वो आपने कायम रखा है ये बहुत खूबसूरत बात है। बहुत अच्छे तरीके से गाया आपने बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। थैंक यू निहाल। सर ये पिक्चर परदेस पूरे देश ने इस पिक्चर को इतना प्यार दिया है हम सब ने कितनी बार इस पिक्चर को देखी है। इसमें ऑब्वियसली इतने टैलेंटेड एक्टर्स हैं लेकिन एक मेरा जो फेवरेट है वो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। प्लीज पेश हो। We want to go. अरे बोलो बोलो। अमेरिका अमेरिका अमेरिका। आदि वाह क्या बात है टैलेंट तो देखो। जितने भी बच्चे थे परदेस में मेरे साथ जी तो सब में से जो चतुर और बातुरी और शूटिंग में नहीं आया हुआ ऐसा लगता है पिकनिक में आया कोई शादी चल रही और ये सब साहब बहुत एंजॉय कर रहे हैं जी। तो मैं इनको बहुत वॉच करता था। अच्छा और इनका नाम भी पिक्चर में पोटला था अगर आपको ध्यान होगा। पोटला पोटला
So, मैं इनको देखा लंच टाइम में कि एक अपने दोस्तों के बीच में उसी छोटे ग्रुप में अपना गा भी रहे थे. तो तब मैंने इनकी सिंगिंग टैलेंट भी देखा वहाँ पर. अच्छा. इसीलिए ताल फिल्म में इनको मैंने बुलाया खास कि तुम ये आवाज़ चाहिए तुम्हारी. और ये जंगल में बोली कोयल कुक्कू भी आए और ऐसे ही आया जैसे कि प्रोफेशनल सिंगर आते हैं. पर एटीट्यूड इनका शुरू से था और अभी भी है. यू सी वो है अच्छी बात. आदि के लिए, आदि के लिए बहुत जोर से तालियां बजनी चाहिए. मेरी भी रिक्वेस्ट है सर, मुझे ये वाला सुनना है, सिंपोला वाला सुनना है. हो जाए. सिम सिम पोला पोला सिम सिम पोला सिम सिम पोला पोला सिम सिम पोला फाइन फ्लैट रूप फट पेटोला पेटोला ड्रम ड्रम ड्यूप लेट सिंबोला सिंबोला दोरे फासो बमडासा दोरे फासो बमडासा दोरे फासो बमडासा दोरे फासो बमडिस रे डो रे डो रे डो रे डो पामा 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 पाम मा पानी पानी पा नी पा नी पा नी जा रे 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 ये दुनिया एक दुल्हन ये दुनिया एक दुल्हन दुल्हन के माथे पे बिंदिया ये मेरा इंडिया ये मेरा इंडिया ये मेरा इंडिया आई लव माय इंडिया. जिस शख्स ने दिलीप साहब को 3 बार नूतन जी को 2 बार राखी जी को भी 2 बार डायरेक्ट किया हो, जिस शख्स ने दिलीप साहब और राजकुमार साहब को एक साथ हैंडल किया, जिस शख्स ने खुद एक्टिंग की ट्रेनिंग FTII से की हो, अगर वो आपके गुरु बन जाए तो मैं मेघना हूँ, मेघना घाईपुरी. मैं सुभाष घई जी की बेटी हूँ. मेरे पिताजी ने एक सपना देखा था बहुत बहुत साल पहले और मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ जो उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ इस इंस्टीट्यूट को उनके साथ खोल सकूँ और बना सकूँ और बड़ा कर सकूँ. हमने इस इंस्टीट्यूट को जब सोचा था तो 2001 में हमने फाउंडेशन स्टोन यहाँ पर ले किया था, कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी और 2006 में हमने हमारा पहला बैच लिया था. हर सेमेस्टर में सुभाष सर के साथ एक क्लास होती है और वो बहुत मतलब बहुत कुछ सिखाते हैं. वो बताते हैं कि कैसे इंडस्ट्री कैसी होने वाली है और बहुत प्रिविलेज फील होता है, बहुत लकी फील होता है और बहुत अच्छा लगता है टू बी ऑनेस्ट. वो भी एक आउटसाइडर थे तो उन्होंने जो स्ट्रगल देखे हैं वो हमें नॉलेज देते हैं, कैसे ओवरकम करते हैं, एक पर्सपेक्टिव जो आपका होना चाहिए जब आप फिल्म मेकिंग में जा रहे, तो वो सब चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं. मुझे हमेशा एक बात बताई थी कि सक्सेस वो होती है कि जब आदमी खुद बड़ा बन जाता है, लेकिन असली सक्सेस वो होती है जब दूसरों को भी बड़ा बनाता है. तो जब मेरी सक्सेस के बाद मुझे ख्याल आया कि मुंबई में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो बाहर से प्रांतों से बच्चे आते हैं पूरे देश से जिनको प्रोड्यूसर से मिलने में बहुत दिक्कत होती है. ख्वाब तो हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं हैं, कोई टीचर्स नहीं हैं, कोई गाइड नहीं है. तो मैंने उस वक्त निश्चय किया कि मैंने जितना भी पैसा कमाया है, जो भी एक्सपीरियंस है मेरे पास, वो मैं सब नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म खड़ा करूँगा और उसका नाम रखूँगा विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल. आई वॉज मेकिंग फिल्म, नाउ आई एम मेकिंग फिल्म मेकर्स. इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या हो सकती है मेरे साथ. पुणे के FTII से एक यंग लड़का एक्टर बनने के सपने लिए मुंबई आया था. पहली बार ये अच्छा हुआ कि वो लड़का कामयाब एक्टर नहीं बन पाया, वरना हिंदी फिल्मों को इतना काबिल डायरेक्टर कहाँ मिलता. जब 1999 में बिल क्लिंटन इंडिया आए थे, उनके साथ इनका परिचय बतौर इंडिया के नंबर वन डायरेक्टर हुआ था. आज ये हमारा सौभाग्य है कि इस विशेष अतिथि के लिए हम कुछ कर रहे हैं. हियर इज अ सुभाष घई ट्रिब्यूट संगीत के सुनहरे कल की ओर से. Yeah!
बस जाने दे मुझको तू के तू दरवाजे को सर। और जाने से पहले कल यानी कि 24 जनवरी को सर का बर्थडे है, तो इंडियन आइडल की पूरी टीम की तरफ से आपको वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस, थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।